मनारा ने एक मौका नहीं छोड़ा मुनव्वर के पीठ पीछे उसकी बिचिंग करने का, या फिर उसकी पर्सनल बातें शेयर करना अनुराग से, या फिर उसको बॉडी शेम करना, उसके बारे में गंदी गंदी बातें बोलना। 32 साल की मनारा इनोसेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, उसको अच्छे से पता है वो क्या कर रही है और गेम में आगे कैसे बढ़ना है वो अच्छे से जानती है। लेकिन जस्ट बिकॉज वो मुनव्वर की नंबर वन प्रायोरिटी अब नहीं है, उसी वजह से वो अपने गटर जैसे मुंह से गटर जैसी बातें मुनव्वर के बारे में बोल रही है और बेफुजल के टॉन्ट मारे जा रही है। अपने दोस्त के पूरे टाइम में उसको सपोर्ट करना होता है, जैसे कि अभिषेक मुनव्वर को कर रहा है, वो खुले आम उसके लिए स्टैंड ले रहा है और उसने कहा था क्योंकि मुनव्वर ने मुझे सपोर्ट किया था मैं उसे सपोर्ट कर रहा हूँ। मनारा की तरह नहीं कि अपने दोस्त की इज्जत वो खुद ही उछाले, वो भी सबके सामने। मनारा पहले से दोस्ती के काबिल बिल्कुल भी नहीं है, तो अपनी इमेज क्लियर रखनी है और बाहर दिखना है। जैसे कि मनारा ने बोला था, वो बिल्कुल देख के आई है कि बाहर किसकी कितनी फैन फॉलोइंग है, इसी वजह से उसने अनुराग और मुनव्वर से दोस्ती की। और जैसे कि अनुराग ने आज बोला कि उसने दोनों को यूज किया है, अनुराग आज ऑन पॉइंट था। मनारा कभी इतनी स्ट्रांग थी ही नहीं, मुनव्वर ने उसको आसमान पे चढ़ाया और मनारा ने उसी को डस लिया। अंकिता ने एक बार बोला भी था कि ये आगे जाके तुझे ही डसेगी और ऐसा ही हो रहा है। मनारा है आस्तीन का सांप, मनारा जैसे दोस्तों से अच्छे तो अनुराग जैसे दुश्मन है, कम से कम मुंह पे तो होते हैं। आपका क्या है कहना वो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।